किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा जी के यहाँ पर सोने के पिंजरे में तोता कैद था। तोते की गंदी आदत थी, जब भी राजा जी के दरबार में पंडित जी आते थे उन पर कटाक्ष मारता था। पंडित जी को दो बार आना होता था, महीने में दो बार पंडित जी की कथा होती थी। कथा में अध्याय सुनाते थे पंडित जी और हर अध्याय के आखिरी में कहते थे, हरी मिले तो बंधन छूटे। जहां पंडित जी ये लाइन बोलते तोता बोल पड़ता, पंडित झूठा है। पंडित जी के लिए अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाती, एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती, उन्हें समझ नहीं आता कि ये तोता क्या कर रहा है। दो तीन बार हुआ, उसके बाद तो फाइनली जो है पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए, जाकर के पूछा कि महाराज एक बात बताओ, ये तोता मेरे को झूठा है झूठा है क्यों बोलता है, जबकि मैं तो अच्छी बात बोलता हूँ कि हरी मिले तो बंधन छूटे। तो गुरु जी ने कहा कि काम करते हैं, चल करके तोते से ही बात करते हैं। तोते के पास पहुंचे, बोलने वाला तोता था, उससे पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आप ये पंडित को बार बार झूठा क्यों बोलते हो। तो तोते ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। तोते ने कहा कि महाराज एक बार मैं उड़ता उड़ता ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था। वहां पर ऋषि के जो शिष्य थे मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने एक मंत्र सुन लिया, याद कर लिया और दोबारा जब बोला गया तो मैंने बोल दिया। जैसे ही मैंने मंत्र बोला, ऋषि के शिष्यों ने सोचा कि चमत्कारी तोता है, मुझे पकड़ लिया और पकड़ करके लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। थोड़े दिनों के बाद ऋषि के एक शिष्य थे सेठ जी, सेठ जी आए, उन्होंने देखा कि आश्रम में बोलने वाला तोता है तो मुझे अपने साथ ले गए। अब सेठ जी के पास बहुत सारा पैसा था तो उन्होंने लोहे के पिंजरे में से उठा करके मुझे चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। एक दिन राजा जी के यहाँ पर दावत थी और सेठ जी को लगा कि राजा को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, क्या तोहफा दे सकते हैं महंगे से महंगा। तो उन्हें मेरी याद आई, उन्हें लगा कि इससे महंगा तोहफा नहीं है, वो मुझे लेकर के गए दरबार में और मुझे गिफ्ट कर दिया। रानी जी को मैं बड़ा पसंद आया तो मुझे चांदी के पिंजरे से उठा करके सोने के पिंजरे में कैद करवा दिया। लेकिन रहा मैं पिंजरे में ही, मैंने एक बार हरि का नाम क्या बोला, मेरा तो बंधन ही नहीं छूट रहा है। गुरु जी ने तोते को अपने पास बुलाया, तोते के कान में कुछ कहा, उसके बाद गुरु जी चले गए। अगली सवेरे जब राजा के सैनिकों ने देखा तो तोता पिंजरे में उल्टा पड़ा हुआ था। एक सैनिक को लगा कि शायद तोता मर गया है। दूसरा सैनिक दौड़ करके गया राजा के पास बताने के लिए कि महाराज आपका जो प्यारा तोता था अब इस दुनिया में नहीं है। वो दौड़ते हुए गया, जो इधर सैनिक बैठा हुआ था पिंजरे के पास में, उसे लगा कि तोता तो मर ही गया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोता उड़ गया। उड़ते उड़ते तोता बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। ये छोटी सी कहानी सिखाती है जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है जो आपको सही गाइडेंस दे। सही सलाह पर चलेंगे तो सही रास्ते पर जाएंगे, गलत आदमी की सलाह मानेंगे तो गलत रास्ते पर जाएंगे। सही सलाह के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।